There's old Krishna Balaji has completed 5 years. What do you want to say? I want to say ki old Balaji ko pehle to congratulations I want to say. I want to tell them happy birthday. It's very nice that they've completed 5 years. Five glorious years actually. आसान नहीं है एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए खड़ा रहना इतने टाइम तक वैन देर सो मच सो मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स विच आर टेकिंग ओवर लाइक नेटफ्लिक्स इज देयर अमेजॉन इज देयर बट स्टिल ओल्ड बालाजी हैज स्टूड अप एंड दे हैव गिवन अस सम अमेजिंग कॉन्टेंट और मैं चाहूँगा कि 5 की जगह 500 साल ओल्ड बालाजी जिए और जिए और ऐसे ही कॉन्टेंट बनाते रहे और हम सबको ऐसे ही एंटरटेन करता रहे. लॉकअप के शो के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक शो है, बहुत ही हसीन शो है. इतना आसान नहीं होता है इतने दिनों तक अपने घर वालों से दूर रहना और टास्क करना और अच्छा परफॉर्म करना और तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखना. बट जो भी लॉकअप की टीम है बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही प्रोफेशनल है एंड बहुत ही बहुत वो चीज़ें देती हैं जो ऑडियंस को चाहिए और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई एम रियली हैप्पी लॉकअप में आने के बाद एंड आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है. एंड हाउ डज इट फील यू वर आल्सो पार्ट ऑफ ओल्ड बालाजी एज पंजबीट सो हाउ डज इट फील टू कम बैक. इट फील्स लाइक आई एम बैक होम. इट फील्स वेरी वेरी गुड. इट फील्स वेरी नॉस्टैल्जिक. द फर्स्ट एवर स्क्रीन प्रेजेंस आई हैड वॉज फ्रॉम ओल्ड बालाजी और उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा ओल्ड बालाजी का. मैंने मेरे परिवार ने सब ने ओल्ड बालाजी बहुत अच्छे से डाउनलोड किया था और आज भी उनके फ़ोन में वो चल रहा है. एंड डू यू हैव योर पर्सनल फेवरेट कंटेस्टेंट इनसाइड दैट लॉकअप? यस आई डू हैव अ पर्सनल फेवरेट कंटेस्टेंट. माय फेवरेट इज ज़ीशान. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वी वर्क इन द सेम शो. एंड द सेकेंड फेवरेट इज मुनावर. Munawar is doing very well. Bahut hi, I like his presence of mind. I like his calmness. I like the way he is addressing the problems of the house, of the jail, sorry. And how do you see Kangana ma'am as a host? Kangana ma'am bahut khatarnak hai, bahut fierce hai, bahut strong, bahut powerful insaan hai. Mujhe nahi lagta Kangana ma'am se behtar koi is show ko host kar sakta hai kyunki wo khud itni badass hai. Wo khud itni fierce hai, unko nahi dar lagta ki unke bare mein kya socha jayega, kya bola jayega. Jo unke dil mein hai, dimag mein hai, wo cheez bol deti hain wo. रियलिटी शोज़ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी रियलिटी शोज़ करता है तो उसमें लिंकअप्स की खबरें भी आती हैं. तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी किसकी लिंकअप की खबरें आ रही है? इस बार लिंक आपको लग रहा है कि लिंकअप है? मुझे पता नहीं है कि कौन लिंकअप है. सभी साथ में ही रहते हैं, आपस में रहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, कौन किससे कम मोहब्बत करता है. बट अभी मुनावर और मेरे ख्याल से अंजलि की कुछ कहानी निकल के आ रही थी. तो लेट्स सी वेयर दैट एंड्स. एंड हाँ, रियलिटी शो में क्योंकि अकेले होते हैं बहुत ज़्यादा, घर वालों से बहुत दूर होते हैं, तो कहीं पे भी थोड़ा सहारा मिल जाता है तो वो लोग ले लेते हैं. तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस. एंड या लेट्स सी हाउ इट गोज. हम कुछ कह नहीं सकते अभी. फ्यूचर में अगर आपको भी मौका मिला कोई रियलिटी शो करने के लिए, ऑलरेडी आपने पंजीट किया हुआ है, जाने का मौका मिला तो जाएंगे आप? अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो पता नहीं, नेवर से नेवर. आई डोंट नो कि अगर मैं करूँगा कि नहीं करूँगा. वो उस मोमेंट पे मैं क्या महसूस कर रहा होगा, उस मोमेंट पे मुझे क्या लग रहा होगा, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड की मुझे क्या कहेगी करने के लिए, वो मैं कर लूँगा. तो अभी थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. चलो रोल. अरे रुको यार, रुको विशाल, मैंने पहले रोल नहीं बोला भाई, तेरे बंदे ने बोला, मैंने नहीं बोला. अरे पीछे जाओ ना, पीछे जाओ. अरे थोड़ा लेफ्ट करो भाई, वाला लुक लग रहा है भाई. लॉकअप में आए हैं तो एकदम वो पुलिसिया बन के और साथ में वही मिलिट्री आउटफिट, वही लुक है, वही फील है. तो डिफरेंट ट्राई किया मैंने इस बार. चलो सी यू ओल्ड बालाजी. 5 इयर्स कंप्लीटेड हो गए. यू आर आल्सो एसोसिएटेड जी. मैंने 3 शोज किए ओल्ड बालाजी के. एक क्रैश था, एक ओल्ड बालाजी का क्लास ऑफ 2020 था और इसका सेकेंड सीजन भी आ रहा है 1-2 महीने में. तो 3 शोज कर चुका हूँ मैं. एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला कि मैं ओल्ड फैमिली का हिस्सा बना और आज सेलिब्रेट करने के लिए हम आए लॉकअप के अंदर. तो बहुत खुशी की बात है. लॉकअप के अंदर आप पुलिसमैन की जैसे थोड़ा दिखा सकते हो कैमरा में?
तो ये कुछ स्पेशल लग रहा है जी। हाँ ऑब्वियसली मैं भाई कैदी बन के तो जा नहीं रहा हूँ, तो मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो वही कैमोफ्लाज लुक, मिलिट्री आउटफिट तरह का, और साथ में पुलिसिया की जैकेट पहनी मैंने, कि कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूँ तो ऐसा लगेगा कि हाँ जैसे पुलिस आ रही है। तो वैसे शो बहुत ही अच्छा कर रहा है, आई थिंक नंबर वन शो है डिजिटल मीडिया पे, तो बहुत बड़ी बात है और सक्सेसफुल शो है, तो उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला, मैं भी बहुत खुश हूँ। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुनावर, बहुत अच्छा है वो, बहुत ही मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा है वो, और लीडरशिप क्वालिटीज है उसके अंदर, बहुत अच्छा कर रहा है, और मास्टरमाइंड जो कह सकते हैं लॉकअप का वो वही है। कंगना मैम तो अब सबको ही पता है कि जो उनके मन में आता है वो बोलती है, जो उनके मन में आता है वो करती है, बहुत अच्छा शो चल रहा है उनकी वजह से, तो लोग भी उनको देखना पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छी होस्ट है वो। ओके, सो आपको कभी हम देख सकते हैं लॉकअप के शो में इन फ्यूचर? आप ऐसे ही मुझे देखेंगे हमेशा, ऐसे ही, या तो एज अ जेलर आ सकता हूँ मैं, वैसे उस तरह से देख सकते हो, पर एज अ कंटेस्टेंट मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं लॉकअप करूँगा। टॉप थ्री में किसको देखते हो? मुझे टॉप थ्री में मुनावर लग रहा है, के वी भाई लग रहे हैं, और आई थिंक और टफ है, थर्ड नाम लेना टफ है। जो मुनावर के साथ जो पेयरिंग हो रही है, हाउ डू यू सी दैट पेयरिंग? डू यू सी, डू यू थिंक दिस पेयरिंग इज रियल और बट दे आर डूइंग जस्ट फॉर गेम? एक्चुअली मैंने भी एक शो किया, रियलिटी शो बिग बॉस, तो ऐसी मैंने देखा है और लोगों को भी देखा है कि वो ऐसे एक टाइम के बाद फीलिंग आ जाती है, तो मैं उसके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए, बट आई थिंक वो रियली लग रहा है सब कुछ। वुड यू लाइक टू शेयर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी, जैसे कि मैंने बोला कि क्लास ऑफ 2020 का सेकंड सीजन आना, वर्ल्ड बालाजी का ही है वो शो, एक महीने में आ जाएगा, और बहुत सारी म्यूजिक एल्बम्स मैंने की है, एक फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है मेरी खली वाली, उसका नाम है। सो यार बहुत चीज़ें हैं और बाकी जो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बोलना अलाउड। आप पीछे से हट जाइए मैडम। मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है टू सी बालाजी, ओल्ड बालाजी ग्रो एंड कंप्लीट 5 सक्सेसफुल ईयर्स, एंड आई हैव बीन अ पार्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, मतलब 4 साल हो गए मुझे ओल्ड बालाजी के साथ, तो बस बहुत खुशी हो रही है, एंड आई वुड विश ओल्ड बालाजी टू कम्प्लीट अ लॉट मोर ईयर्स ऑफ सक्सेस, एंड एकता ऑफ कोर्स लव यू। सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू मीट एकता मैम? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स बिन अ वाइल आई हैव नॉट मेट हर, शी इज बिन रियली बिजी, आई बिन रियली बिजी शूटिंग, सो वील बी ऑन सेट टुगेदर आफ्टर रियली लॉन्ग, तो हाँ खुशी एक्साइटमेंट दोनों। लॉकअप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत क्रेजी है, बहुत एंटरटेनिंग शो है, सब लोग इतनी मतलब तेज़ी से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, एंड दे आर वेरी कंपेटिटिव, एंड या इट्स अ रियली गुड शो। इज देयर एनी पर्सनल फेवरेट? या देयर आर टू एक्चुअली, देयर इज मुनावर एंड देयर इज ज़ीशान, बोथ आर रियली गुड। Kangna is always brilliant. I love her performances. I love how honest she is and how upfront she is. And I think this is the best show she's hosting because she just has to be herself. Top 3 mein aap kisko dekhte ho? Top 3 mein I would see Zeeshan, Munawar and Zasha. Thank you so much. Thank you. Hello, one to one.